गुड मॉर्निंग, स्वागत है हमारे इस न्यू व्लॉग में। और सुबह सुबह का टाइम है, अभी खाना पीना बन रहा है। आलू की भुजिया जो कि चढ़ा दी है, आलू की भुजिया, और यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी बनेगी। तो मम्मी ने आलू चढ़ाया हुआ था, यहाँ पे आलू उबल चुका है और यहाँ पे प्याज काट लिया है। तो भुजिया हो जाएगा आलू की, उसके बाद बनाएंगे आलू गोभी की सब्जी। और यहाँ पे मसाला पीसना है, अभी पीसा नहीं है। और सुबह सुबह का टाइम है, बहुत ही अच्छा सा मौसम यहाँ पे देख सकते हैं। पीछे का मौसम जो कि कुहा कुहा सा लगा हुआ है एकदम, ये देखिए। और ये देखिए कितना प्यारा सा मौसम लग रहा है। हम लोग आए थे ना तो उस टाइम में ऐसे कुहा नहीं लगता था, लेकिन अब सुबह सुबह उठो ना तो ऐसे कुहा लग जाता है। एक दो दिन से ऐसा हो रहा है। यहाँ पे चढ़ाया दूध, बाकी भुजिया बन जाएगी, उसके बाद सब्जी चढ़ाएंगे। और सुबह सुबह मैं तैयार हो चुकी हूँ एकदम। वैसे मेरा मन ना थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि सर्दी हो गई है। सर्दी होता है ना तो बहुत ही अजीब सा ही मन हो जाता है, लेकिन मेडिसिन खाई है तो ठीक हो जाएगी। और शिवांश भी उठ चुका है रूम में, तो अभी उसके लिए कुछ दूध बिस्किट ये सब ले जाएंगे खिलाने के लिए, क्योंकि अभी भुजिया होने में टाइम लगेगा तो वो सब होगा। मम्मी अभी गई है नहाने के लिए। और ये वाला अनारकली मैंने पहना है ग्रीन कलर का, ये ना मेरा फेवरेट, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और बहुत फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा है इसका। अभी बना रहे हैं पापा जी के लिए चाय, और शिवांश भी उठ चुका है। तो यहाँ पे हमारा भुजिया बन चुका है, और इधर सब्जी चढ़ा दिया है, प्याज चढ़ा दिया है अभी। और सोच रही हूँ ना कि कॉफ़ी बना लेती हूँ, सर्दी होया हुआ है ना तो गरम गरम कॉफ़ी पियेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी कॉफ़ी बनाते हैं। आज मंडे है तो पतिदेव का व्रत है, तो उनसे भी पूछ के आते हैं, कॉफ़ी पियेंगे कॉफ़ी। हाँ, चाय कॉफ़ी तो सब व्रत में पीते हैं ना, तो जाके अभी पूछ के आती हूँ। पतिदेव अभी रूम में है ही नहीं, तो चलिए अपने लिए बनाते हैं। और अभी शिवांश क्या है दादाजी के साथ दूध लाने के लिए। सुबह सुबह का यहाँ पे रहते हैं ना, सुबह सुबह का वही रूटीन होता है उसका, सुबह सुबह दादाजी के साथ जाता है घूमने के लिए और दूध लाने के लिए। ये फैमिली तो बहुत दिनों बाद, पापा भैया और रणवीर सभी लोग आए हैं घर, कितने दिनों बाद याद भी नहीं। रणवीर तो शायद, रणवीर का तो याद है कि शिवांश के छठी था तो उसमें आया था रणवीर, और भैया का तो याद भी नहीं कि इतना टाइम पहले। भैया एक बार रक्षाबंधन में आए थे ना, रक्षाबंधन में ना, रक्षाबंधन में एक बार आए थे भैया। बहुआ छोटा था ना, तीन चार महीने, कैसे मिलने आए थे भाभी के साथ, तुम और भाभी आए थे, याद है कि एक फोटो था ना भैया के साथ, वो बना हुआ नहीं था, वो सब खुला हुआ। भैया के साथ वाला एक फोटो था ना बउआ का, तो सब उसमें बहुत कमेंट कर रहे थे, मामा पे गया, मामा की तरह दिख रहा है वो वाला। हाँ, देख सकते हैं हीरो को शर्मा रहा है, कितना शर्मा रहा है। अजीब सा लगता है जब पूरा कैमरा आपकी तरफ हो जाता है ना, तो थोड़ा इसका। हाँ, मैं बैकग्राउंड में ज्यादा ठीक हूँ, ठीक है। छोड़ दो भाई। शिवांश आ गया है? जाना है भैया को, कैसा है बताओ भैया को। भैया पर जाना है, भैया पार्क में ले जाएगा घुमाने। चल चल, नानी के पास चल, नानी के पास भी जाएगा। नानी के पास सब लोग आएंगे। तो अभी पापा भैया और रणवीर निकल गए और मिलने आए थे, और शिवांश अभी खोज रहे मामा कहाँ है, मामा सभी लोग कहाँ गए, कहाँ गए बेटा सभी लोग, मामा भैया सभी लोग कहाँ गए। और ये ना अभी खोज रहा है फुलझड़ी, एक ना वो गोल गोल घूमता है वो वाला अनार कहते हैं कि पता नहीं क्या कहते हैं, वो वाला था ना, तो वो एक ही ये जला दिया, उसके बाद से रो रहा है मुझे दिवाली मनाना, दिवाली करना है, दिवाली क्या करना है बेटा, हमको ऐसे दिवाली करना है मम्मी, हमको ऐसे दिवाली करना है, लेके मैंने रो रहा है। हे गाइस, तो अभी शाम का टाइम है और अभी शिवांश क्या है दादी के साथ घूमने के लिए, और नहीं जा रहा था, कैसे कैसे मम्मी लेके गई है उसे ना, हमेशा मम्मी मम्मी करते रहता है, मेरे से चिपका रहता है एकदम, थोड़ी देर भी अलग नहीं रहना चाहता है। तो अभी गया है घूमने के लिए, तो मैं एकदम फ्री हूँ, और शाम का टाइम है, थोड़ी देर बाद खाने पीने की तैयारी करेंगे। और
अभी बस ऐसे मैंने चेंज कर लिया, ग्रीन वाला वो अनारकली पहना हुआ था तो वो ना थोड़ा सा जॉर्जेट का है और थोड़ा सा गर्मी गर्मी सा लग रहा है और एसी नहीं चला रहे बिकॉज सर्दी सर्दी ये सब। शिवांश को भी हल्का फुल्का हो रहा था और मुझे भी हल्का फुल्का होया हुआ है, इस वजह से एसी ये सब बंद किया हुआ है और पंखा भी एकदम स्लो करके चला रही हूँ क्योंकि पंखा भी तेज करती हूँ ना तो एकदम इतना हिनाने लगता है कि अजीब सा ही लगता है कि एकदम तेज हो जाता है फ़ैन तो इसकी वजह से वो भी कम कर रखा है। तो फिर ये वाला पहन लिया, ये ना बहुत ही प्यारा है ये वाला कॉटन का और बहुत ही सुंदर लगता है मुझे। मैं ये देख सकते हैं और मेरा आईना गंदा होया, मैंने अभी वीडियो बनाना स्टार्ट किया ना तब मुझे जाके पता चला है, नहीं तो मतलब ऐसे मेरा देखने में क्लीन लग रहा है लेकिन वीडियो इसमें शूट कर रही हूँ ना तो एकदम धुंधला धुंधला सा आ रहा है तो इसको क्लीन करूँगी। पहले तो मिरर में बहुत ज़्यादा वीडियो शूट करते थे हम लोग, रील्स ये सब बनाते थे लेकिन अभी तो जब से आई हूँ यहाँ पे ना तब से मतलब रील वील बनाने का मन ही नहीं कर रहा और कोई भी रील ये सब शूट नहीं किया इस वजह से शूट नहीं किया तो इसको मैं क्लीन कर दूँगी, थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा होया हुआ है। एंड पापा भैया रणवीर सभी लोग आए थे, मम्मी यहाँ पे छठ करती है तो मम्मी के लिए साड़ी, मेरे लिए सूट, ये सब सारा कुछ लेके आए थे। तो मैं मम्मी को हमेशा मना करती हूँ कि मम्मी तो छठ करती है उनके लिए ठीक है, मेरे लिए भेजना ज़रूरी है लेकिन फिर भी मम्मी भेज देती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ साड़ी और सूट, ये वाली साड़ी है मम्मी के लिए कॉटन की साड़ी क्योंकि मम्मी कॉटन ही पहन के छठी ये सब करती हैं और बहुत सारे लोग कॉटन ही ये साड़ी पहन के करते हैं तो फिर अच्छा लगता है, लाल पीला हरा एकदम चुंदरी सा प्रिंट रहता है ना तो ये वाली साड़ी जो है ना वो अच्छी लगती है। और ये मम्मी ने सूट मेरे लिए भेजा है, बहुत ही प्यारा है, कलर भी बहुत ही अच्छा है सूट का, तो ये अनस्टिच है, इसको बाद में मैं स्टिच करवाऊँगी। इसका दुपट्टा मैंने देखा था बहुत ही सुंदर है इसका दुपट्टा, ये है इसका दुपट्टा बहुत ही प्यारा है। बाकी आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है, बहुत ही सुंदर है ना। और इसमें लहठी चूड़ी ये सब कुछ है, ये एकदम चुंदरी वाला लहठी है, जो भी छठ व्रत करते हैं ना मोस्टली ये वाला चूड़ी पहनते हैं क्योंकि इसके अंदर ना जो लोहा होता है वो नहीं होता है, सिर्फ ये लाह क्या कहते हैं लाह वाली चूड़ी होती है और इसके अंदर लोहा ये सब नहीं होता है, इस वजह से ये छठ में जो भी व्रत करते हैं वो पहनते हैं। बाकी इसमें एक और लहठी है और सिंदूर बिंदी ये सारा कुछ है। ये वाला है इधर, ये क्या है, ये है आपको कौन दिया है, है वो इधर से इधर से चाचू इधर जाता इधर से पहुंचेगा। अच्छा सारा रास्ता बता दिया हमको ना, इधर इधर किधर जाना है, ये चाचू दिए हैं बेटा, चाचू दिए हैं। अच्छा ठीक है हमको पता चल गया रास्ता, पता चल गया, ओके ओके। लेकिन ये है क्या, इसे कैसे खेलते हैं बताओ। ये देखो ये है ये, मम्मी का अभी कॉल आ रहा है, ये ना अकेले भाग आया होगा मम्मी को छोड़ के, दादी को कहाँ छोड़ के भाग आया है, रुको दादी से बात करते हैं पहले। सोचा था ना वही हुआ, ये सर भाग आए हैं, मम्मी बगल वाले आंटी के घर पे ले गई थी इसको बगल में तो वहां से ये भाग आया, थोड़ी देर खेलेगा किसी के भी साथ जाएगा, मम्मी के साथ पापा जी के साथ चाहे इनके साथ भी जाता है ना, इनके साथ भी जाएगा थोड़ी देर खेलेगा और तुरंत एकदम स्पीड में भाग आता है। बिट्टू दादी दादी के साथ क्यों नहीं नीचे गए थे आप, चाचू के साथ खेलते सभी के साथ। हाँ देखो, देखो। बॉल कौन दिया बेटा, चाचू देखो, थैंक यू बोले हो चाचू को आप। ये देखो ये है बॉर्डर बटन, इधर हाँ। से उधर से जाता है, ये है बटन इधर से उधर से जाता है, ये है इसका बटन, रुको रुको रुको, कैसे कैसे खेलते हैं बेटा इसको समझ नहीं आ रहा मम्मा। इसको ऐसे इधर से इधर से इधर से इधर है इधर अच्छा। लगाते नहीं, मम्मा करेगी एक मिनट दिखाओ मम्मा को। अच्छा ये ऐसे करने वाला है और ये फिर कैसे करते हैं, बटन दबाते हैं। अरे अरे तुमको कैसे पता चला ऐसे खेलते हैं, लाइक करो और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करो और क्या, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब इसको वो लाइक करो, क्या करो